हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मैं आई हूँ टेरेस पर चढ़कर, तो मुझे हो रही घबराहट क्योंकि मैं कपड़े सूख रहे थे ऊपर, तो कपड़े लेने के लिए आई थी और चढ़ते 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 मेरी सांस फूलने लग गई। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आज है जुमा, आप सभी को जुमा मुबारक। तो फिर से मैं आ गई हूँ थर्ड फ्लोर पर वीडियो बनाने के लिए और मेरे कपड़े लेने के लिए। तो मैंने सोचा दोनों काम साथ में कर लेती हूँ। तो चलिए पहले हम कपड़े ले लेते हैं। चलिए मेरे साथ, आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, मैं थक गई हूँ चढ़ते चढ़ते। फ्रेंड्स, ये है मेरे कपड़े, अच्छे खासे सूख चुके हैं, अच्छे खासे सूख गए हैं कपड़े। अब हम ले लेंगे कपड़े हमारी, अब हम ले लेंगे हमारे कपड़े, उनको डाल लेंगे हम बकेट के अंदर। और फिर चलिए मैं डालती हूँ बकेट के अंदर कपड़े, जो कि अच्छे खासे सूख चुके हैं। और फिर आप से बात करती हूँ कपड़े डालने के बाद। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मेरे कपड़े मैंने ले ली हूँ, बाल्टी हो गई है मेरी तैयार नीचे जाने के लिए। अब हम जाएंगे यहाँ से नीचे। और आपको बताना था कुछ और, तो चलिए आपसे शेयर। तो फ्रेंड्स, मेरे कपड़े हो गए रेडी ले जाने के लिए नीचे, क्योंकि मैंने कब सूखे हुए कपड़े सब डाल लिए बकेट में। और अब मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि थोड़ा रुकूंगी अभी मैं, क्योंकि एकदम ऊपर आओ फिर नीचे जाओ तो मुझे बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरे से इतना ऊपर नीचे नहीं होता है। तो मैं हूँ थर्ड फ्लोर पर और पीछे सनलाइट की वजह से आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। और ये इधर का दरवाज़ा हमको लगा कर रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चोर आ रहे हैं और चोरी करके चले जा रहे हैं, तो इसलिए दरवाज़ा लगा कर रखना पड़ता है। तो देखिए मेरे पीछे, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है, सनलाइट है उसकी वजह से। तो मैं बोल रही थी कि अभी जो सायरा सत्तानी का जो अभी शुरू है झगड़ा उनके हस्बैंड के साथ, तो बहुत ज़्यादा लोग उनके बारे में वीडियो बना रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है किसी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने की और किसी के फटे में टांग अड़ाने की? हम अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, वो उनका खाते हैं, उनका पीते हैं, तो हम क्यों उनके बीच में जा रहे हैं? तो बस, और लोग तो क्या क्या उनके बारे में वीडियोज़ बना रहे हैं, थंबनेल लगा रहे हैं, यहाँ तक कि डिवोर्स तक चले जा रहे हैं। वो उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर वो सोशल मीडिया पे दोनों भी हस्बैंड एंड वाइफ अपने बारे में बता रहे हैं। जो भी उनके बीच में हुआ, वो हमको तो कुछ पता नहीं है, उनको पता है कि क्या उनके बीच में हुआ है। और वो लोग वो जो बता रहे हैं हमको सोशल मीडिया पे, बस उतना पता है ना, हम उनके रिश्तेदार हैं ना, हम उनके बारे में कुछ जानते हैं ज़्यादा, बस ये जानते हैं कि वो टिकटॉक पर है, यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर है, तो उसकी वजह से जो भी हम उनके वीडियोस देखते हैं बस उतना ही हमको पता है। हमने उतना उन्हें उन चीज़ों से इंस्टाग्राम टिकटॉक वीडियोस और यूट्यूब से हमने उनको इतना क्यों जज करना है? मेरा कहने का मतलब है, हम उनको इतना क्यों जज करें कि उनके अंदर उनकी लाइफ में हम घुस जाए और जो भी उनके झगड़े चल रहे हैं वो उनके अंदर हम घुस जाए और उस पर वीडियोज़ बनाए? नहीं करना चाहिए किसी के बारे में ऐसा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अभी सायरा सत्तानी का तो चैनल है ही यूट्यूब पर और अच्छा खासा बड़ा चैनल है उनका। तो उनका जो भी उनके हस्बैंड से झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, तो उन्होंने हमको बताया, जैसे कि उनके यूट्यूब पर आकर, उनके चैनल पर आकर उन्होंने हमसे शेयर की वो बातें। तो और उसके बाद में फिर उनके हस्बैंड ने भी और सोशल मीडिया पर बातें शेयर कर रहे हैं, उनके हस्बैंड भी शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके अंदर इन्वॉल्व है, उनके साथ में हैं। अब वो क्या सच है क्या झूठ है, वो उन दोनों मियाँ बीवी को मालूम, क्या सच्चे है क्या झूठ है, हमको पता क्या, हमको कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। हम सिर्फ उनको एक यूट्यूबर के तौर पर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो है और वो जो भी शेयर करे बस हम उतना जानते, हम उनके लाइफ का कुछ भी नहीं जानते। तो हमको क्या राइट है कि उनके बारे में हम कुछ भी बोले, कुछ भी बनाए, कुछ भी वीडियो पर, कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल दें, अपलोड कर दें? तो उनके हस्बैंड के बारे में या उनके बारे में वो जो भी है खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा खुद। तो मेरा कहना यही है कि हम किसी के फटे में टांग ना अड़ाए तो अच्छा, और हम अपनी लाइफ पे ध्यान दें, हम हमारी लाइफ पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है, और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है हम उस पर ध्यान दें। क्योंकि आजकल लोगों का ऐसा हो गया है कि अपनी लाइफ का छोड़ कर दूसरों के मज़े लेने में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा मज़े आते हैं,
दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करते हुए हम अपनी अपनी लाइफ का देखें और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चलेगा और क्या चलने वाला है, हम उसके बारे में सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा कहना ये है। तो बस यही आपसे बताना था, क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले हैं और जिनके चैनल नहीं हैं, वो जो न्यू है चैनल पर, मतलब जिनके न्यू चैनल क्रिएट हुए हैं, वो भी अपने वीडियोस का टॉपिक उन्होंने बना लिया है सायरा सत्तानी, और उन्होंने उनको टॉपिक बना लिया है, जस्ट ऐसे उनके ही टॉपिक पर, मतलब उनके जो झगड़े चल रहे हैं, उनकी जो बातें चल रही है सोशल मीडिया पर, जो भी चल रहा है उनका, तो उसके ऊपर उन्होंने टॉपिक शुरू कर दिया है बनाना। तो बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ऐसा भी थंबनेल देते रहे कि रिवॉर्स का भी थंबनेल दे दे रहे दोनों का। तो वो हस्बैंड वाइफ है, उनकी लाइफ वो जाने, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, हम कौन होते हैं उनकी लाइफ में दखलंदाजी करने वाले, इंटरफेयर करने वाले हम कौन होते हैं, और हमें क्या राइट है, हमें किसने राइट दिया उनकी लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर करने का और उनके झगड़ों में बोलने का। हाँ, अगर हमसे कोई पूछता है तो हम तब बोल सकते हैं हमको क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है, लेकिन हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम क्यों बोले। और वो हमें सामने से बता रहे हैं सिर्फ, वो यूट्यूब पर है तो उनकी प्रॉब्लम्स वो यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, जो भी उनके साथ हुआ, तो वो यूट्यूब पर, हम उनकी यूट्यूब फैमिली है, जैसे कि जो भी उनको फॉलो करता है, जो भी उन्हें देखता है, वो सब उनकी यूट्यूब फैमिली है। तो वो उनको सिर्फ बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, जो भी उनके साथ हुआ, वो अपना अपने साइड रख रहे हैं और उनके हस्बैंड उनके साइड रख रहे हैं। तो अब वो दोनों को, दोनों में से कौन सही है वो दोनों को ही मालूम, और वो दोनों के बीच में जो भी है बस उनको मालूम, हमको तो कुछ पता नहीं है, तो फिर हम क्यों बोले उनके बीच में। तो बहुत सारे यूट्यूबर जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ बोल रही हूँ कि आप ऐसी चीज़ें ना करें और उनके पटे में टांग ना अड़ाएं और ना ही कोई उल्टी सीधी वीडियोस बनाएं, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो उनको हर्ट होता है, हर्ट होगा कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके झगड़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं और यूट्यूब पर ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, तो किसी का दिल दुखाना और किसी को ऐसे अच्छा नहीं लगता, किसी के बारे में गलत गलत बातें करना और किसी को ऐसे गलत कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगता। तो बस मेरा यही कहना है और मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके बारे में ये किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा ना। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि बहती गंगा में हाथ धोना नहीं चाहिए, वो छोड़ दो, और किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए, सबकी रिस्पेक्ट करें, बस मेरा यही कहना है। और आपका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।